हम भारतीय जनता पार्टी से तो बड़े नहीं है, हो सकता है उसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति हो। देखिए, मैंने कभी मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने यूपी की ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन भाजपा ने यूपी की दो लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। वो सीटें हैं रायबरेली और कैसरगंज, लेकिन सबकी निगाहें कैसरगंज पे टिकी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट से बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा के सांसद है, लेकिन इस बार उनका टिकट अब तक फाइनल नहीं हुआ है। बावजूद इसके ब्रजभूषण सीट पर अपनी दावेदारी ठोकने से पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वहीं बताया जा रहा है कि भाजपा ब्रजभूषण सिंह के टिकट पर फैसला उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की वजह से टाल रही और उनके टिकट को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। लेकिन अब खुद ब्रजभूषण ने टिकट को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। उन्हें कहा है कि हम भाजपा से बड़े नहीं है, हो सकता है इसके पीछे भाजपा की कोई रणनीति हो। देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने और क्या कुछ कहा है। हम भारतीय जनता पार्टी से तो बड़े नहीं है, हो सकता है उसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति हो। 13 लिस्ट जारी हो गई, उसके बाद भी अब तक गोडा कैसरगंज का सीट पे अभी तक घोषणा नहीं है। क्या माने जाए तो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है, परेशान मत होइए। चलिए, वो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है। लगातार आप क्षेत्र में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इस तरह की भी चर्चाएं आई कि आप हर उस वर्ग में गए, आपने मतलब आप अरे यार हम मिलने गए। और देखिए नहीं, देखिए आप गलत सवाल कर दिए, अब आप इसको हिंदू मुस्लिम पर ले जा रहे हैं। देखिए, मैंने कभी मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि सन 1989 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और स्वर्गीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने मेरी सबसे पहले गिरफ्तारी कराई थी। मैं एक ऐसा आदमी हूं कि सीबीआई ने भी विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद सबसे पहले अरेस्ट मेरी की थी। उस समय भी मैं मुसलमानों के यहाँ जाता था, और मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा रहे तब तक मेरा उनका बहुत अच्छा संबंध रहा। तो हर बात को राजनीति से जोड़ करके मत देखिए। आपने कहा कि मुलायम सिंह से आपका बहुत अच्छा संबंध था और अखिलेश के बारे में विधानसभा चुनाव में लगातार आपकी टिप्पणी आती रही कि ये मुलायम सल्तनत के आखिरी वंशज हैं, तो क्या क्या माना जाए, किस तरह से आज अब वही बयान हम रोज देते रहे, क्या मानते हैं आज अखिलेश की क्या स्थिति है? अब आप मुझे फंसा रहे हैं। आपके टिकट की देरी में क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ असर देखने को मिलेगा? अगर आपको ये मेरा टिकट केवल आपके कारण नहीं हो रहा है।